राज्यसभा सांसद जया बच्चन उस समय भड़क गईं जब उन्हें संसद में जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा गया। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया और मामले पर बवाल मच गया। घटना के एक दिन बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसका जवाब दिया है। दरअसल सदन में बजट पर चर्चा चल रही थी। उपसभापति हरिवंश ने चर्चा के लिए जया का नाम पुकारते हुए जया अमिताभ बच्चन कहा। इतना सुनते ही वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। तब उपसभापति हरिवंश ने कहा कि यहाँ आपका पूरा नाम लिखा है। इस पर जया बच्चन ने कहा कि यह जो नया चलन है उसके अनुसार महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि ही नहीं है। घटना के एक दिन बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आपका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है तो यही पुकारा जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य के निर्वाचन प्रमाण पत्र और गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, इसलिए पदासीन सभापति से यह अपेक्षा होती है कि वह गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सदस्यों का नाम पुकारे। इधर सोशल मीडिया पर भी जया बच्चन का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि जया बच्चन इसलिए नाराज हो गए क्योंकि चेयरमैन ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया। यह सच है कि महिलाओं की अपनी पहचान होनी चाहिए, लेकिन उनका अहंकार और जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वैसे क्या उन्हें लगता है कि अगर वह अमिताभ बच्चन की पत्नी नहीं होती तो संसद में होती। साथ ही जया का नाराजगी भरा वीडियो भी शेयर किया गया है।